जय हिंद। मैं अमन कुमार, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कुछ फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में। आप सब जानते होंगे ना मेरे भाई कि आज के डेट में जितने भी हमारे देश के भाई बहन या कहिए बेटे बेटी हैं, जितने भी हमारे देश में हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं आज के डेट में? अपने फ्यूचर को बनाने में कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा। क्यों? अब आप पूछेगा क्यों, क्या रीज़न है भाई? रीज़न यह है कि जितने भी आज के डेट के हमारे भाई साहब हैं, शराब, गुटखा, पान, जितने भी चीज़ है, तंबाकू हुआ, बहुत से चीज़ का सेवन कर रहे हैं। अब इसके सेवन करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, हम उस भाई से पूछना चाहते हैं। और जो शराब, तंबाकू, गुटखा, पान का सेवन करते हैं, इससे फायदा क्या होगा? एक फायदा हमें बता दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के सहारे, क्यों एक फायदा बता दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा नहीं आप सब बहुत बेहतर काम करते हैं। और यही नहीं, हमारे देश के भाई ही नहीं है, आज के डेट में हमारे देश के बहन यानी बेटी, हमारे देश के बेटी भी शराब, पान, गुटखा का सेवन कर रही है। आज के डेट में भाई और बहन एक समान हो गए हैं, दोनों एक समान व्यवहार करते हैं। तो मैं उन सभी भाई बहनों से एक ही क्वेश्चन करूंगा कि आप सब जो ये पान, गुटखा, शराब खाते हैं तो खाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है, आपके फ्यूचर में क्या फायदा होगा? अगर कुछ फायदा होता हो तो इस कमेंट बॉक्स के सहारे एक कमेंट करके हमको दिखा दीजिए। देखिए भाई, मेरे पास आपसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अगर आपको ये दिमाग में क्वेश्चन बैठा हुआ है कि नहीं, हमें शराब, पान, गुटखा खाने से फ्यूचर में कुछ चेंजिंग आएगी, तो हमें भी बताइए आप, हम भी पान, गुटखा, शराब खाएंगे और पियेंगे, लेकिन हमारा जो अनुभव है ये कहता है कि पान, गुटखा, शराब खाने से हमारे जो फ्यूचर है वो कम होता है, यानी हमारा जो आयु यानी वर्ष एज वो हमारा कम होता है, ये हमारा अनुभव बता रहा है। अगर आपका अनुभव कुछ और हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है। तो इसके बाद मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ, और जितने भी भाई बहन लोग अगर शराब, गुटखा, पान का अगर सेवन करते हो तो प्लीज इसे बंद करने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत आपको होगा और आने वाले आपके फ्यूचर को होगा और आपके बच्चे पत्नी को होगा। ये सोच लीजिए, आपके बच्चे और पत्नी और आपके फ्यूचर को दिक्कत होगा, हमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। बस केवल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाना चाह रहे थे कि प्लीज इसको बंद करने का प्रयास कीजिए। अगर हमारा कोई शब्द आपको बुरा लगा हो तो प्लीज माफ करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।